हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? कैसी है मेरी इंजीनियर आर्मी, ब्रू आर्मी? काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अपना अपने दिन को व्यस्त तो नहीं कर रहे हो ना आप? क्योंकि देखो, एग्जाम के अपडेट्स आने लग रहे हैं और एसीएफ के एग्जाम के पोस्टपोन होने के बाद ना सबको ये डर सा लगने लग गया है कि एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे अब। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो एग्जाम अब शेड्यूल के हिसाब से होने लग रहे हैं। बिकॉज आईआईटी जेईई और नीट के एग्जाम कंडक्ट होने के बाद ना, अब सबसे बड़ा जो एग्जाम बच रहा है अपना वो है सिविल सर्विसेज का, ठीक है? उसके बाद में कह रहा हूं ना, अपने पीएससी के एग्जाम और जितने भी एग्जाम है ना वो कंडक्ट होने लग जाएंगे, ठीक है? तो सबसे ज्यादा जो कमेंट आ रहे थे वो एनएलसी एग्जाम से रिलेटेड आ रहे थे, नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, ठीक है? और बहुत कमेंट आ रहे थे कि एक्सपेक्टेड डेट बताइए सर एनएलसी एग्जाम की। सबसे पहले तो देखो, मैं कोई सर नहीं हूं और मैं आपके ही लेवल का हूं और अभी मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो अपना एक होता है ना कि ब्रू आर्मी है यार हम तो, ठीक है? तो मुझे सर मत बनाइए, बहुत बुरा लगता है क्योंकि हम एक ही लेवल के हैं और हम साथ ही में प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उसके अलावा अपन बात करते हैं कि जो एक फियर है लोगों के मन में कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। देखो, अब सबसे बड़ा एग्जाम सिविल सर्विसेज का है और एसीएफ के एग्जाम पोस्टपोन होने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन था वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि वो एग्जाम 5 से 6 दिन होना था, ठीक है? और 5 से 6 दिन अजमेर और जयपुर के अंदर उसके सेंटर आते हैं और आप जानते हो कि वहां पर रहने का, ठीक है, खाने पीने का इतना अरेंजमेंट होना पॉसिबल नहीं है 5 to 6 days के लिए, ठीक है? अगर 1 day 1 exam होता है तो पॉसिबिलिटीज होती है कि हाँ भाई अपन अपना अरेंजमेंट कर सके। और एग्जाम भी ऐसा कि आपको कंपलसरी के लिए एक दिन जाना है, बाकी ऑप्शनल पेपर किसी का दूसरे दिन है और किसी का फिर 5वें दिन है, ठीक है ना? तो इस तरीके से वहां पर शेड्यूल था, तो उसी उस वजह से एसीएफ का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। बाकी अभी सारे एग्जाम हो रहे हैं, आप जानते हो कि मतलब नीट का एग्जाम हो गया है, ठीक है ना? इतने स्टूडेंट थे, सबसे ज्यादा स्टूडेंट नीट और जेईई मेंस के एग्जाम में होते हैं, वो एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट करा लिए हैं गवर्नमेंट ने। तो अब जो एग्जाम बच रहा है सबसे बड़ा वो है सिविल सर्विसेज, ठीक है? वो अक्टूबर 1 वीक में अपने हैं। उसके बाद अपने सारे एग्जाम में क्या होना शेड्यूल के हिसाब से होने हैं। तो जैसे कि आज मैं जो अपडेट लेकर आया हूँ अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे उठकर आपके लिए, वो है एनएलसी से रिलेटेड, ठीक है? तो नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड पर अगर आप जाएंगे ऑफिशियल साइट पे तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि उन्होंने अभी लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन होता है विंडो, वहां पर उन्होंने अपडेट किया है कि कोविड-19 की वजह से वो एग्जाम ऑन टाइम नहीं करवा पाए थे, लेकिन अब जो अनलॉक 4 की गाइडलाइंस है ना उसके बाद वो अपना शेड्यूल जल्दी से जल्दी रिलीज करेंगे। तो आप वह ना वेबसाइट पर विजिट करते रहें। और ये मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ बिकॉज काफी लोग टेंशन में है कि नहीं एनएलसी अपना एग्जाम करवाएगी नहीं करवाएगी। काफी लोग तो यहां तक मतलब बोलते हैं कमेंट्स में कि विजाग स्टिल लॉस में चल रहा है या एनएलसी लॉस में चल रहा है, वो एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाएगी या गेट के थ्रू कंडक्ट करवाएगी। देखो वैसे भी अब ना सारी के मतलब होता है ना पीएसयू प्राइवेटाइजेशन की तरफ है, ठीक है? तो अब गेट के थ्रू बहुत कम कर दिया है पीएसयू ने रिक्रूट करना और अब खुद के एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे बिकॉज उससे अर्निंग भी काफी ज्यादा होती है। और अब एनएलसी एग्जाम से रिलेटेड देखो काफी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था इसके लिए, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, क्या बेस्ट बुक्स इसके लिए आपको रिकमेंड मैंने आपको की थी सारी चीजें, ठीक है ना? अपने हिसाब से जो मेरे को सबसे बेस्ट लगा था टेस्ट सीरीज के ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूं। तो अभी भी देखो, अब आप ये मान लो अगर आप अभी भी ये कहोगे कि क्या एक्सपेक्टेड डेट होगी एनएलसी एग्जाम की, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि देखो कोई एक्सपेक्टेड डेट नहीं बता सकता है। मैंने खुद वहां पर जो उनके हेल्पलाइन नंबर है वहां पर कॉल करके पूछा था, तो उन्होंने ये बोला कि देखो अब नेक्स्ट मंथ एग्जाम होंगे और आप है ना मतलब होता है ना कि वेबसाइट पे विजिट करते रहे, जैसे कि आपको कोई भी अपडेट होगी तो वहीं पर मिलेगी। कोई भी आपको वहां पर ऑफिशियली मतलब बताने को रेडी नहीं है कि एग्जाम किस डेट को होना है, तो आप ये सोचकर बिल्कुल परेशान मत हो कि एग्जाम कब होना है, बस आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी रखो, ठीक है? हमें अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखनी है क्योंकि एनएलसी एग्जाम के अंदर टेक्निकल का वेटेज काफी ज्यादा है, ठीक है? आप जानते हो टेक्निकल का काफी ज्यादा वेटेज है और 120 मार्क्स के अंदर आपका एक होता है ना कि 80 मार्क्स का वेटेज केवल टेक्निकल का है, तो टेक्निकल बहुत ज्यादा आने वाला है और काफी सारी टेस्ट सीरीज एनएलसी के अकॉर्डिंग डिजाइन भी की हुई है। अब ये सोचो कि बस अक्टूबर के अंदर आपका एग्जाम है ना, ठीक है? सितंबर चल रहा है और अक्टूबर नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना? आप माइंड में ये रखो, ठीक है? जैसी भी आपकी प्रिपरेशन है आप उसको बाइंड अप करो और रिवीजन स्टार्ट करो। और जिनकी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुई है उनको मैं यही कहूंगा कि अभी भी टाइम है, कोई अभी टाइम नहीं निकला है, ठीक है ना? अगर आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हो और आपका टेक्निकल पे थोड़ा बहुत भी कमांड है, आपने गेट आईएएस की प्रिपरेशन या फिर एसएससी की प्रिपरेशन की है पहले, तो आप वहीं से स्टार्ट करो, ठीक है? सबसे पहले एक होता है ना किसी भी चैप्टर को आप उठाओ
तो आप उसके सबसे पहले फॉर्मूला और बेसिक जो भी उसका कंसेप्ट है ना वो देख लो, बिकॉज बहुत हार्ड एंड टफ रूल वाले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाले हैं। आप जानते हो 120 मिनट है, 120 क्वेश्चन है एनएलसी के अंदर, तो इतना टफ नहीं आने वाला है जैसे कोल इंडिया के लेवल का था। और एसएससी जेई के लेवल से थोड़ा सा अपर लेवल आएगा, ठीक है ना। एसएससी जेई का लेवल एक काफी बेसिक लेवल हो जाता है, पर थोड़ा सा लेवल अपन बढ़कर मानते हैं जैसे कि कोल इंडिया के अंदर आया था, है ना। और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स का वेटेज उतना ज्यादा नहीं होता है, 30% वेटेज आप मानिए, ठीक है। 80 में से आपके मोस्टली होता है ना 50 to 60 क्वेश्चन अपन को एकदम थ्योरेटिकल मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, मतलब अगर अपन गेट आईएएस की बात करें कि नहीं यार हमने तो प्रिपरेशन की है गेट आईएएस की, बट इन एग्जाम्स में क्या होते हैं ना, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है ना, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा, कौन सा मटेरियल यूज होगा, तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं ना, आर के जैन और खुरमी, ठीक है, इन इनके अंदर क्या है फ्रिक्वेंटली दिए हुए हैं। और मैंने जितना भी देखा है ना, इन बुक से क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं पीएससी के एग्जाम में, अभी कोल इंडिया में भी और पहले भी, मतलब एसएससी जेई के अंदर तो फ्रिक्वेंटली आर के जैन और खुरमी से क्वेश्चन रिपीट होते हुए हैं, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। अगर अभी आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप यहीं से स्टार्ट करो, एक खुरमी बुक है और एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, और ज्यादा ज्यादा गेट के 1 मार्क्स के एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है, क्योंकि गेट एक पैरामीटर है, गेट और आईएएस में आपको बताऊं किसी भी पीएससीयू से एग्जाम के लिए, क्योंकि पीएससीयू पहले गेट के थ्रू ही रिक्रूट करते हुए आए हैं। तो एक जो एक होता है ना कि एक आइडियल पैरामीटर होता है किसी भी एग्जाम का, जैसे कि आरपीएससी के लिए अपन जब एनवायरमेंट प्रिपेयर कर रहे थे तो अपना पैरामीटर था कि यूपीएससी, ठीक है, कि यूपीएससी एनवायरमेंट के क्वेश्चंस पूछता है हर साल, तो अपना पैरामीटर वहां पर था कि उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस जब अपन सोल्व करेंगे तो अपन आरपीएससी के एनवायरमेंट के पेपर के लिए प्रिपेयर है, ठीक है ना। तो अपनी प्रिपरेशन अगर आप अभी स्टार्ट ही नहीं कर पाए हो तो गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन और एक खुरमे, ठीक है, ये दो रिसोर्सेज मोर देन सफिशियंट है। और इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं कोई, जिससे कि प्रैक्टिस हो जाए, ज्यादा रिसोर्सेस की तरफ नहीं भागना है, ठीक है ना। मैं ये भी कर लेता हूं, मैं वो बुक भी कर लेता हूं, क्या होता है एक बुक करो आप लेकिन उस बुक को अच्छे से रिवाइज करो। अगर आप खुरमी भी करोगे ना तो पर सब्जेक्ट आपको कम से कम 400 to 500 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, और उतने क्वेश्चन ना आपके उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में, फॉर्मूला को एक होता है ना एनहांस करने में, और जो अप्लाई करने में थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स को, वो काफी हेल्पफुल होंगे। और इसके अलावा गेट 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज वाले, है ना, ठीक है, मैं न्यूमेरिकली जो होते हैं ना डाटा फिल करना होता है वो वाले क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज देखो कोई भी मतलब होता है ना टेस्ट एजेंसी पेपर कंडक्ट कराएगी वो खुद से टेक्निकल के क्वेश्चन नहीं बनाने बैठेगी। आपको भी पता है कि टेक्निकल के क्वेश्चन अब बनाए नहीं जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम से या किसी ना किसी बुक से उठाए जाते हैं, ठीक है। और नॉन टेक जो पोर्शन है उनके लिए उनके पास बहुत सारे भंडार है, तो वो कहीं से भी ले सकते हैं, आईबीपीएस हो गया, ठीक है ना, और एसएससी के और नॉन टेक के इतने सारे एग्जाम होते हैं, तो कहीं से भी वो क्वेश्चन ले सकते हैं। तो आपका एक लेवल होना चाहिए कि आप बैंक पीओ लेवल के, एसएससी के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना रीजनिंग के या एफटी के, वो क्वेश्चन अपन सोल्व करें, क्योंकि आजकल नॉन टेक का थोड़ा लेवल अच्छा आने लग रहा है टेक्निकल के मुकाबले, और हम उतना ध्यान देते नहीं है, बट एनएलसी में उतना वेटेज नहीं है, पर्टिकुलरली एनएलसी के लिए मैं बात करूंगा, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन आने हैं एफटी रीजनिंग जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के, ठीक है ना। तो 10-10 क्वेश्चन के लिए उतनी बहुत ज्यादा वरी होने की बात नहीं है। अगर अपना टेक्निकल पे कमांड बहुत अच्छा है ना, अगर 80 मार्क्स के ऊपर आप कमांड अच्छा कर लेते हो और वहां पर आप 65 to 70 स्कोर कर लेते हो, बिकॉज आप कितना भी अच्छा कर लो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक होती है। एक मैं एवरेज बता रहा हूं, अगर आप 65 से 70 स्कोर इसमें कर लेते हो ना, तो उधर 40 से के अंदर से आपको 25 स्कोर करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि जनरल अवेयरनेस हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रहा है। अपन को जो थोड़ा बहुत मतलब होता है ना कि करंट अफेयर और जो भी मनोहर पांडे के अंदर आपको मिले, ठीक है ना, वो आप अभी पढ़ लीजिए, मनोहर पांडे छोटी सी बुक आती है उसके अंदर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड इशू सारे मिल जाएंगे 2021। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे बुक्स के सारे जो कि मैंने दिए हुए हैं, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। और इसके अलावा नॉन टेक के लिए मैंने आपको बताया था कि वाईफाई स्टडी की वीडियोस को आप प्रीफर करो, ठीक है ना। खुद से न्यूमेरिकल लगाने से क्या होता है ना, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप क्या होता है टाइम अपन उतना कंज्यूम कर देते हैं कि टाइम मिल नहीं पाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप वाईफाई स्टडी की जो उन्होंने बैंक पीओ सेक्शन है या फिर आरआरबी जेई सेक्शन है ना या फिर एनटीपीसी वाला सेक्शन है, जो कि काफी उन्होंने मतलब अच्छी वीडियोस और शॉर्ट ट्रिक साहिल सर ने पढ़ाई हुई है, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, देखो मुझे जो बेनिफिशियल लगा कम टाइम के अंदर। आप रोजाना 2-3 वीडियोस भी देखोगे ना तो आपका मतलब 2-3 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे रोजाना में। जैसे कि मुझे परसेंटेज, पर्टिकुलरली मुझे परसेंटेज होते हैं ना उन क्वेश्चंस में, ठीक है, और ये जो होते हैं ना एवरेज वाले क्वेश्चन हो गए,
ठीक है ना, रेशो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन हो गए, इनमें काफी ज्यादा टाइम लगता था वहाँ एग्जाम के अंदर। ठीक है, जो एक क्वेश्चन होता था उसमें 1 मिनट भी लग जाता था कई बार, या कई बार 40-50 सेकंड भी लग जाते थे, तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता था। तो वो 30 सेकंड 40 सेकंड तक लेकर आना, ठीक है, और या फिर 20 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर देना, तो वो एक आर्ट होता है जो कि आप प्रैक्टिस से ही सीखते हैं। ठीक है ना, तो आप ये चीज ध्यान रखो। और एग्जाम एक्सपेक्टेड डेट कोई भी नहीं बता सकता है, इस चक्कर में बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट मत करो। बस जो भी जिस भी सिचुएशन में आप हो ना, आप जानते हो कि वैकेंसीज आगे निकलना बहुत मुश्किल है अभी जिस तरह की सिचुएशन चल रही है कंट्री के अंदर। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को जैसी भी है आप वहीं से स्टार्ट करो, और अभी काफी सारे एग्जाम होने हैं अपने। ठीक है ना, अभी अपने वीजा के स्टील है, एनएलसी का एग्जाम क्या अपडेट आ ही चुका है, जब भी एग्जाम डेट ऑफिशियली अनाउंस होगी मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए सेपरेट। ठीक है ना, और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को भी अपन डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद अपन के पास एक टाइम बच जाएगा कि हाँ ये टारगेट एक गोल हो जाएगा अपना सेट, कि इतना दिन अपने पास बचे हुए हैं। तो अभी आपके पास भी अभी भी टाइम है, ठीक है, अभी से भी आप स्टार्ट करो। विजाग स्टील है, एनएलसी है, ठीक है, आरसीएफएल का एग्जाम है, ठीक है, तो तीन एग्जाम तो अपने पास केवल पीएससी उसके एग्जाम है ना। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है, ठीक है, एसएससी जेई का, तो ये एग्जाम अपने पास बचे हुए हैं। एसीएफ का एग्जाम है आरपीएससी वालों के लिए, तो इतने सारे जब टेक्निकल के एग्जाम है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा, तब तक ध्यान रखिए अपना, ठीक है, और सेफ रहिए, इम्यूनिटी को बूस्टअप रखिए, और प्रिपरेशन अच्छे लेवल पर स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना, फिर मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।